गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले कालांश में अपनी इंग्लिश बुक के थर्ड चैप्टर द रेड्स एंड द एलिफेंट्स का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, यानी हमने उस चैप्टर की ग्लोसरी पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एम समझेंगे। यह चैप्टर एक सिर्फ चैप्टर नहीं है, पार्ट नहीं है, ये छोटी सी कहानी भी है, स्टोरी है ना, इंस्पिरेशन स्टोरी यानी प्रेरणादायक स्टोरी। तो इससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी, यानी हम कुछ भी अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी कहानी सुनते हैं तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है, तो इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ग्लोसरी तैयार होने से हमें इस चैप्टर को पढ़ने में समझने में आसानी होगी। ओके, लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, यानी लॉन्ग लॉन्ग है लंबे समय से, है ना, लंबे लंबे यानी बहुत पहले, एगो यानी पहले, यानी लंबे समय से, बहुत समय पहले से एक ग्रुप, अ ग्रुप यानी समूह, है ना, ऑफ रैट्स, रैट्स तो सबको पता है चूहे, है ना, सबके पेट में कूदते हैं ना चूहे, के घर में घूमते रहते हैं, हाँ, तो वे जो चूहे थे लिव्ड यानी रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, यानी एक जंगल में खूब सारे चूहे थे, चूहों का समूह था जो कि खुशी से जंगल में रह रहे थे। वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि एक दिन जो हाथियों का झुंड था वो क्या है, उस क्षेत्र से गुजरा, एरिया यानी उस जगह से, क्षेत्र से निकला, सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में, वाटर यानी पानी, सर्च यानी तलाश करना, तो सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में। मेनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, यानी वहाँ पे मेनी यानी कई, बहुत सारे, है ना, तो वहाँ जो थे कई चूहों के क्या हो गए, घर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, यानी वो सारे जो उनके चूहे के बिल होते छोटे छोटे वे सब नष्ट हो गए, किसकी पैरों के नीचे आ गए थे, अंडर यानी नीचे, देर यानी उनके, बिग यानी बड़े, फीट यानी पैर, यानी उनके जो पैर थे उन पैरों के नीचे वे उनके घर आ गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मारे गए थे, है ना, सम यानी कुछ, रैट्स यानी चूहे, वर यानी थे, ऑल्सो भी, किल्ड यानी मारे गए, ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है सामने, ये जो आपके सामने एक पिक्चर है ना उसमें साफ साफ दिख रहा है, ये एलिफेंट्स है, इनका झुंड है ये जो जा रहा है, और नीचे इनके पैरों के नीचे देखो इतने मोटे मोटे पैर है, चूहे तो बेचारे छोटे छोटे होते हैं, तो वो उनके पैरों के नीचे आकर दब कर मर गए। द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज, चूहों का जो राजा था, किंग यानी राजा, रैट्स यानी चूहों का, जो चूहों का राजा था उसका नाम क्या था, मूषक राज, क्या नाम था, मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, अब वो कहाँ गया, वेंट यानी गया, किसके पास गया, हाथियों के राजा के पास, गजराज जो हाथियों का राजा था ना, गजराज उसके पास, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, अनदर रूट टू द पॉन्ड, अब जो है वो चूहों का राजा था वो बड़ा चिंतित हो गया, ऐसे सारे चूहे खत्म हो जाएंगे, उसका तो सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, जो आसपास है सब उनके दोस्त रिश्तेदार, है ना, होते हैं ना हमारे, जैसे हमारे बीच में है हमारे सब फ्रेंड्स वगैरह, तो वैसे ही चूहों के भी हैं, तो वो कह रहे हैं सारे चूहे नष्ट हो जाएंगे ऐसे, तो वह जाता है हाथियों के पास, हाथियों के राजा के पास, और कहता है आप अपने झुंड को
दूसरे रास्ते से ले जाओ, रूट यानी रास्ता, हमने ग्लोसरी में पढ़ा था ना, यानी अन्य रास्ते से लेकर चले जाओ तालाब की ओर, यानी पानी पीने ही जाना है तो आप कोई और रास्ता देख लो। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स। उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, यानी हाथियों के राजा ने स्वीकार कर लिया, भाई उसे पता चला कि चूहे उनके पैरों के नीचे आके मर रहे हैं, तो उसे भी अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारी वजह से किसी को परेशानी हो रही है। हाथियों का राजा अच्छा था ना, दयालु था, तो उसे अच्छा लगा, मतलब उसे बुरा लगा कि चूहे मर रहे हैं, तो उसने उसकी रिक्वेस्ट प्रार्थना मान ली और क्या किया, दूसरे रास्ते से बिना उन्हें चूहों को परेशान किए वह वहाँ से निकल गए। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लेज्ड विद गजराज। मूषक राज क्या था, बहुत खुश था, वेरी हैप्पी एंड प्लेज्ड यानी प्रसन्न विद गजराज, गजराज के साथ वो बहुत खुश था, प्रसन्न हो गया। ही थैंक्ड हिम द प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। अब जो चूहा का राजा था ना मूषक राज, उसने क्या कहा हाथियों के राजा से, तो उसे बहुत खुशी हुई कि भाई इसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली है, तो मैं भी उसे धन्यवाद देता हूँ। तो वो धन्यवाद देते हुए उसे क्या कहता है, उसे धन्यवाद देता है, थैंक हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया और प्रॉमिस्ड दैट द, यानी वादा भी किया कि वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, यानी जब भी हाथियों को ज़रूरत होगी वे हमेशा तैयार रहेंगे उनकी मदद के लिए। ऑलवेज यानी हमेशा, बी रेडी यानी तैयार रहेंगे, टू हेल्प यानी मदद के लिए, यानी वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे, इफ नीडेड यानी आवश्यक होना, जरूरी, जब जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वे उनसे, उनके लिए वे जरूर ये काम करेंगे। हियरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। अब क्या हुआ, जब जैसे ही हाथियों के झुंड ने ये बात सुनी, हर्ड यानी समूह, जो हाथियों का झुंड था, समूह था, उन्होंने बात सुनी और क्या जोर जोर से हंसने लगे, सोच रहे हैं कि स्मॉल रैट्स, हाउ स्मॉल रैट्स यानी कैसे छोटे चूहे कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, बड़े हाथियों की मदद कर सकते थे, और उन्हें बड़ी हंसी आ रही थी। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों बाद देखते हैं क्या हो गया, अरे ये क्या है, यस चलें। ही आस्क्ड, एक मिनट, हमने गलत पेपर ले लिया है, यस ये रहा, सॉरी, वन डे ना, वन डे क्या हुआ, ये रहा वन फाइन डे, एक अच्छे से दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। एक दिन क्या था, कुछ महीनों बाद क्या होता है, एक दिन जब चूहे खेल रहे होते हैं तो उन्हें जोर से हाथियों के झुंड की चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी खूब सारे हाथी चिल्ला रहे होते हैं और उन्हें वे आवाज़ आती है, डायरेक्शन यानी दिशा ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब, जो दिशा है तालाब की ओर से, उन्हें उस दिशा से बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब क्या हुआ, मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, यानी मूषक राज ने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, कि एलिफेंट्स क्या थे, खतरे में थे, हाथी क्या थे, खतरे में थे, ज़रूर कोई ना कोई खतरा है हाथियों के, इसलिए हाथी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब हमें इस पिक्चर में दिख रहा है ना, हाथी कैसे रस्सियों से बंधे हुए हैं, है ना, ओके नेक्स्ट। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग विद एंड वेंट इन द डायरेक्शन दैट साउंड, यानी उन्होंने, जो मूषक राज था ना,
उसने क्या कहा, उसने अपने कुछ मजबूत चूहों को उस तरफ भेजा। किस तरफ? जहाँ से आवाज़ आ रही थी हाथियों के चिल्लाने की, उस डायरेक्शन में भेजा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कट इन द ट्रैप्स कैप्ट बाय सम हंटर्स। अब जो मूषक राज भी साथ में गए थे तो उन्होंने उनको साथ लेके गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि तालाब के पास में ही हाथियों को कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया है, जाल में बांध लिया है। यानी कॉट यानी पकड़ा जाना, ट्रैप्स यानी जाल, कैप्ट बाय पकड़ा गए, सम हंटर्स यानी कुछ शिकारियों द्वारा। द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ। अब जो चूहे थे उन्होंने क्या किया, फटाक से, क्विकली यानी फटाक से, जल्दी से क्या किया, बाइटिंग यानी काटना शुरू किया, किसे, रस्सियों को, विद देयर शार्प टीथ यानी अपने तीखे दांतों से उसने उसे काटना शुरू किया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। जल्दी ही क्या हो गए, हाथी आजाद हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड ऑल्सो फेल सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। यानी क्या किया उन्होंने, जल्दी ही जब हाथी फ्री हो गए तो उन्होंने उन्हें हाथियों चूहों को धन्यवाद दिया, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, और ऑल्सो फेल्ट सॉरी यानी उन्होंने दुख भी महसूस किया, है ना, उन्हें तकलीफ भी हुई कि मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज यानी उन्होंने उसकी छोटी आकार वालों को, छोटी आकृति वालों की क्या किया था, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगा, है ना। तो क्या कहानी से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? यस, हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी छोटी से छोटी चींटी भी हमारे काम आ सकती है। ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम। हमारा एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन ए है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी जो सही है उसके लिए टी लगाना, ट्रू लिखना, और गलत है उसके लिए फॉल्स, एफ का प्रयोग करना। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग द फॉर फूड। हाथी बहुत भूखे थे और खाने की तलाश में जा रहे थे, नहीं, वे किस लिए जा रहे थे, पानी की तलाश में, तो क्या हो गया ये, फॉल्स। द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द कम द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। हाथियों ने चूहों के घरों को बर्बाद कर दिया था क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करते थे, नहीं, वे क्या है, उन्होंने तो गलती से किया था ये सब, है ना, पानी की तलाश में जा रहे थे उस रास्ते और चूहों के घर बर्बाद हो गए, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड है हमारा। द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो चूहों का राजा था उन्होंने वादा किया था हाथियों से कि जब भी उन्हें जरूरत होगी वे उनकी मदद करेंगे। यस, ट्रू। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। हाथी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। यस, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, पिक्चर्स बनानी है। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम, अरेंज देम, लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। यानी उसे नंबर वाइज एक के बाद एक उन्हें इमेजेस को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। यानी इन चित्रों को देख के हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, स्टोरी बाय की तरह। कैसे स्टोरी होगी, फर्स्ट हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, चूहे, चूहों के घर बर्बाद होते हैं ना। सेकंड बार में क्या होता है, चूहों का राजा जाता है उनसे हेल्प मांगने, रास्ता बदलने के लिए। तीसरे में, थर्ड है हमारा, फर्स्ट सेकंड, हाँ थर्ड है हमारा, जब एलिफेंट्स क्या होंगे, जाल में फंस जाएंगे, है ना, और फोर्थ चूहे उनकी
मदद करने जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये पिक्चर्स लगानी है और आंसर में क्या करना है, फर्स्ट पिक्चर ये, सेकंड पिक्चर ये, थर्ड ये, फोर ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये होमवर्क आपसे नहीं हो पाता है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता दें। इसकी आप फोटो भी, मतलब इसकी फोटो खींच कर आप कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, है ना, और इसे चिपका भी सकते हैं, नहीं तो हाथ से बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।